बनाए न्यूटन लॉ में ये डायग्राम बनाए। देखिए हेडिंग बनाएंगे कनेक्टेड बॉडी, बातें ना करें, कनेक्टेड बॉडी मोशन ऑफ, कनेक्टेड बॉडी जुड़े हुए पिंडों की गति, जुड़े हुए पिंडों की गति, जैसे ट्रेन में जुड़े रहते हैं ना सब, ये सब होगी एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये M1 मास का डिब्बा है, ये M2 है, M3, और ये फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, इंजन, ट्रेन का इंजन फोर्स लगा रहा है। तो देखिए इनके बीच टेंशन लिख लीजिए, इस टेंशन का नाम है T1 और T2, और इसका नाम दे दीजिए T3 तो F के बराबर ही हो जाएगा। T1 T2 T3 क्या है, तो इनके नाम लिखेंगे। T1 क्या है, ये टेंशन है, तनाव। T2 क्या है, T2 भी टेंशन है, और T3 टेंशन आपको दी है, T3 तो F के बराबर ही। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, त्वरण, पेपर में या तो त्वरण पूछते हैं या टेंशन पूछते हैं, वो एक्सेलरेशन देखे, सिस्टम का इस निकाय का त्वरण क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं F बराबर MA, और A बराबर F, M की जगह M1 प्लस, तो किसी ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना बड़ा आसान है, फोर्स कितना लगाया जा रहा है और उसका मास कितना है, दोनों को डिवाइड कर दें, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ट्रेन का त्वरण आ जाएगा। ए बराबर एफ अपॉन एम, एफ क्या है, इंजन किस फोर्स से इस ट्रेन को खींच रहा है। हालांकि न्यूटन्स लॉ पे जो क्वेश्चन हमने इसकी दो क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए थे ज्यादातर उन्हीं से बनते हैं, यहां तक वो कम पहुंचते हैं, फिर भी आए क्वेश्चन तो अपन को तैयार है। T1 देखिए, T1 टेंशन का मतलब समझिए, पहले टेंशन फोर्स है, तनाव बल है,
टेंशन का मतलब क्या है? जैसे एक रस्सी से एक धागे से पत्थर को बांधा तो धागे के मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, धागे के जो अणु दूर दूर हुए हैं वो वापस वहीं की वहीं जाना चाहिए। उसको कहते हैं वो अपने अंदर एक टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। मतलब टेंशन क्या होता है? फोर्स होता है। तो हमें T1 निकालना है। कई बार वो ऐसे ही डायग्राम बना देंगे, वो कह देंगे T1 निकालो। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं M1 और M2 के बीच कितनी टेंशन हो रही है। तो वो अपन T1 आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? आप देखेंगे T1 किसको खींच रहा है। तो आप देखिए T1 अकेला M1 को खींच रहा है। T1 किसको खींच रहा है? M। तो T1 बराबर A की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू क्या है? तो आपसे T1 पूछे, देखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, कुछ आसान होता है। T1 किसको खींच रहा है? T1 खींच रहा है M1 को। T2 किसको खींच रहा है बताइए? अरे T2 तो M1 M2 दोनों को खींच रहा है। M1 M2 दोनों को खींच रहा है। A की वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू कहां है? ये रहा F/M1+M2। और T3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, F के बराबर ही आ जाएगा। और कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो देख लो T3 किसको खींच रहा है? तीनों को खींच रहा है। तो M1+M2+M3 इंटू A की वैल्यू रख दीजिए, ये कट जाएगा। तो T3 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंजन द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वही है T3। पेपर में क्या पूछा जाता है इसमें? या T1 पूछेंगे या T2 पूछेंगे। या तो T1 पूछ लेंगे या T2 पूछ लेंगे। T3 तो वो खुद देंगे F के बराबर ही। तो ये होता है कनेक्टेड बॉडी, जुड़े हुए पिंडों की गति। अब इसमें कितने भी जोड़ दे, और वैसे ज्यादातर पेपर में ये तीन ही जुड़े आते हैं, तो हमने तीन वाला ही कराया। और पेपर में ज्यादातर T1 ही पूछते हैं। हाँ एग्जाम्पल करा दे। ये हाँ आर बहुत रुके हुए, चिंता ना। ये देखिए नीचे से तीनों को मास जुड़ रहा है। अरे एक्सेलरेशन तो निकाय का होता है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है। इसलिए A बराबर F बटे M। एक एग्जाम्पल लिख लें, 2 किलोग्राम 8 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के डिब्बे हैं और फोर्स लगाया जा रहा है 32 न्यूटन। T1 पूछा गया है। T1 पूछा है। T1 तो आपको क्या देख रहा है? T1 किसको खींच रहा है? देखिए ये देखिए, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये किसको खींच रहा है? 2 है।
कितना बल लगाया जा रहा है? 32। और नीचे तो टोटल लिखते हैं 16 दूनी 32। किसी में T2 भी ले आओ, T2 देखो कहाँ है T2। ये रहा T2 बना देना T2। देखो T2, अरे इधर देख लो T2 किसको खींच रहा है। देखिए T2 तो 8 और 2 10 को खींच रहा है। कितनी ताकत से खींच रहा है? 32। टोटल तो 16 है, अरे T2 तो 20 आ गया। पेपर में या तो T1 आएगा या दोनों नहीं आएंगे, और T3 तो ये है ही 32। तो आप कनेक्टेड बॉडीज का इस तरह का क्वेश्चन आए तो कर देना। T1 T2 है क्या? टेंशन तनाव मिटा दे। नोट कर ले एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लीजिए। T1 कैलकुलेट कीजिए, T1 कैलकुलेट कीजिए। देखिए T1 किसको खींच रहा है? 2 को। कितनी दम लगाई जा रही है? 40। नीचे टोटल 8 बार काट दो, अरे 5 न्यूटन। तो ये T1 है, जैसा आएगा वैसे ही लिखाया जाएगा, वैसे ही लिखाया जा रहा है, ऐसा ही आएगा। सर ने कह दिया, मतलब T2 पूछा ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, शांत हो जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये 6 लिखना। अब पूछा है T2 क्या है? ये 2 है, ये 6 और ये 4 है। देखो T2 किसको खींच रहा है? देखो T2 किसको खींच रहा है? देखो ये रहा T2 का फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व किया करें। यहां देखो T2 को, T2 किसको खींच रहे हो? 2 और 6 8। कितनी दम दिखा रहे हैं? 24। आ गया T2। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। अगर आप 1 सेकंड रुकने की बोलोगे तो हम रुक नहीं पाते बेटा, एक और क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये देखो सर, आपको दोबारा रुकना पड़ेगा। आप देखो ऐसे बच्चे हैं, दोबारा रुक देते हैं। 20 न्यूटन, ये 4 किलोग्राम। हाँ डिब्बा बन के आएंगे। हाँ,
लाइए टिंडू लाइए चार और एक पांच किलोग्राम टिंडू टिंडू से पूछ लो किसको खींच रहे हो टोटल समझ में आ गया अब एडिंग बनाएंगे लिख लिया हम ऐसे तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे एक एग्जांपल लिखना नहीं था लास्ट का ये देखो पुली पुली मतलब होता है गिरनी हाँ कुएं पे लगी रहती है वही गिरनी गिरनी जानते हैं ये देखो इस गिरनी से ये M1 लटका है और ये M2 ये गिरनी है बेटा इसको कहते हैं पुली गिरनी हाँ कुएं में लगी रहती है वही M1 थोड़ा ज्यादा ले रखा है हमने अगर हम M2 ज्यादा लेते तो इधर रुक जाती पहले अपन समझाने की कोशिश करेंगे तुम समझने की नहीं समझ में आएगा तो फिर रटवाएंगे तो देखिए ये बना लो पहले तो पुली बना लो गिरनी अब ये देखो इस पर बेट हो गया MG बेट कितना होता है MG ये इस पर बेट MG अभी डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा इसलिए साथ में बनाते जाएं बेट हो गया बेट नीचे ही होता है हमें नहीं वो नहीं देगा वो तो केवल M1 M2 दे देगा और अपन को देख के समझ में आ जाता है कि कौन M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है यदि 4 किलो है 2 किलो तो ये ज्यादा हो गया बना लिया अब ये रस्सी के मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं क्योंकि ये रस्सी से आप लटक गए हैं तो इसके ये आप वापस जाना चाहेंगे तो इसके मॉलिक्यूल के बीच क्या क्रिएट होगी टेंशन की डायरेक्शन समझ में आई मॉलिक्यूल वापस जा रहे हैं ये होता है टेंशन पेपर में आपसे सिस्टम का ये सिस्टम बना के दे देंगे जैसे हम यहां लिख दें एक एग्जांपल बना के दे दिया हमने ये 4 किलोग्राम दे दिया ये 2 किलोग्राम दे दिया और हमने कह दिया सिस्टम का एक्सेलरेशन भी बता दो टेंशन भी बता दो तो हम आपके लिए एक फॉर्मूला तैयार कर देते हैं वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा टेंशन पेपर में कोई भी एक चीज सिस्टम कहां से आएगा बना के आएगा या वो लिख देंगे 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम एक गिरनी से लटक रहे हैं तो एक पुली से जुड़े हुए बता देंगे अब देखिए टेंशन है अब हम इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे और उससे से लाएंगे फॉर्मूले को देखिए पहले हम इस वाले सिस्टम में कैलकुलेट करके बताते हैं जब पर्टिकुलर अपन एक सिस्टम को ले लेते हैं अलग उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने इस डायग्राम को इतने पोर्शन को इस पूरे से फ्री कर लिया इसमें लगाइए ये नीचे जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है एम ए एक्सेलरेशन क्या होता है एम ए इस वाले सिस्टम में देख रहे हैं केवल उसको भूल जाओ केवल इसको देखो M1 ये नीचे जा रहा है तो M1 जी ज्यादा होगा
एक इक्वेशन बन गया, इससे हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब ये ऊपर जा रहा है यानी टी ज्यादा होगा और ए एक्सेलरेशन। दोनों को सॉल्व कर ले, प्लस कर दो तो ये m1 माइनस m2 नहीं देखना नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा उसे याद करना बेटा। ये देखो एक फॉर्मूला आ गया, a बराबर m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन टोटल, और इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जो कि हम नहीं रखेंगे, डबल निशान लगा देंगे जिसका मतलब है रटना है। ये फॉर्मूला किसका है? ये तो बेटा एक्सेलरेशन है और ये टेंशन है, दो ही चीज चल रही है, एक तो तनाव एक त्वरण। पेपर में कुछ भी पूछे, या तो टेंशन पूछेंगे और जी की वैल्यू दे दे तो ठीक है, नहीं दे दे तो अपन 9.8 रख देंगे और जी में ही आंसर दिया है। सॉल्व कैसे करेंगे यदि इसमें दोनों निकालना है? तो देखिए सॉल्व करने का तरीका, देखिए ज्यादा में से कम को माइनस करो, 4 माइनस 2 ये इस तरफ लटका है, ये इस तरफ लटका, माइनस करो 4 माइनस 2 कर दे। एक बार पूरे लिख के बता देते हैं, इंटू जी बटे टोटल, तो जी वाई 3 कर दे। अरे टी देखिए, टी टेंशन कितने पिन लटके, 2 वो लिखा हुआ, 4 × 8 एक बार हम पूरा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे तब डायरेक्ट लिखेंगे, ये फिक्स। तो 2 से काट दे 3 बार, 8g अपॉन, ठीक है फॉर्मूला। ये बनाना समझ में नहीं आया कि या ये लिखना, तो ये बनाना तो बेटा 11th में था, अब थोड़ी बनाना है। एक तो हम तुम्हें फ्लैशबैक में ले गए थे कि क्या आपने 11th में बनाया है, नहीं बनाया तो अब हम कहेंगे क्या ये रटना है, तो रटना है तो ये रटना है। ये तो 11th में बनाना था, तब बनाया नहीं, अब क्यों बनाना चाह रहे हैं? नौकरी के लोग नहीं तो ये काम आया नहीं तो पास, उसमें डेरिवेशन तो उसमें ही आता था। यहाँ तो आपको ये आप इसको लिखे बेटा, उसको समझे, ये 4 - 2 इंटू जी बटे टोटल, 2m1 m2 इंटू जी अपॉन टोटल। अभी हम तुम्हें ज्यादा टेंशन समझाएंगे तो तुम्हें टेंशन होने लगती है। ऑप्शन में अगर जी के फॉर्म में देंगे तो जी के फॉर्म में लिखेंगे, अगर ऑप्शन में 9.8 देंगे तो 9.8 लिखेंगे। हाँ एम मास है बेटा, ये 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम एक घिरनी से लटके हुए हैं। अरे जी की वैल्यू वो दे देंगे, नहीं देंगे तो 9.8 जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण मिटा दे। इसे तो नहीं लिख रहा, ये तो पहले लिख रहा था। ये सही कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ ये पुली खतरनाक लग रही हो तो एक हम छोटी पुली बना देते हैं। ये m1 ये m2 और हम मान के चल रहे हैं m1 m2 से बड़ा, वो तो अपने आप ही समझ में आ जाए, 4 किलो 2 किलो 4 किलो ज्यादा। तो एक्सेलरेशन निकालना सीखे, डबल निशान का मतलब और यहां ज्यादा में से कम को माइनस करना है, कुछ नहीं कहा जाए तो अपने m1 को मान लो ज्यादा। अब 2-3 एग्जाम्पल कर लो और जितने ज्यादा करने हो खुद बनाते जाना या लिखते जाओ डब्बों में। तो भी 4 लिख लिया, 10, 5 जो कहो वो लिख दे, तुम कहो जो 50 90 तुम्हें जितना लिख रहा है उतना लिख लो।
किलो, 3 किलो या 6 किलो और 4 किलो। तो देखिए, जिन्हें फॉर्मूला नहीं समझ में आया है वो सब वाले का विधा देखें, दोनों का डिफरेंस करो, 10 5 5 5g अपॉन टोटल g/3। और अगर टेंशन पूछे टोटल ये कितना लिखा है, 6 किलो और 4 किलो हमें ही नहीं दिख रहा कितना लिखा है। ये देखो, सुन ले, डिफरेंस टोटल g/5। टेंशन देखो, इसमें टेंशन देखो, m1 m2 g टोटल ये 24g/5। और एग्जाम्पल कराएं, हाँ डिब्बे बना के रख लो घर पे, चाहे जितने एग्जाम्पल खुद ही बना लेना, इनमें भरते जाना, इसमें और इसमें कुछ भी लिखते जाना और सॉल्व करते जाना। नहीं प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखते रह करो। ये देखिए, दो किलोग्राम 1 किलोग्राम डिफरेंस जी टोटल g/3। टेंशन देखो, टेंशन नोट करें तो ये आपको थोड़ा बहुत टेंशन समझ में आया होगा। अब एक और गिरनी देखिए, एक और तरह की गिरनी देखिए, ये गिरनी समझ में आ गई। यस सर। इस गिरनी पर दोनों तरफ दो व्यक्ति लटके हुए थे या मास सस्पेंडेड था दोनों तरफ। कैसे अब ऐसे ही बता देते ये लटके, अब बता दो। अरे तो यहाँ पर एक कुंदे में एक रस्सी टांग लो, एक इधर खड़ा है, एक इधर लटका हुआ। कब लड़ गया? हाँ वो, अरे ये तो देखा होगा एक्चुअली। अरे सोचते सर को फीस दिया। अब ये देखिए, ये यहाँ रखा हुआ है और ये लटका हुआ, ये तो आप क्या एक ही टेंशन, एक ही रस्सी है, देखिए समझ में आ गया। यस सर। आप लेट गए, आप रस्सी से किसी को खींच रहे हैं, आप ऊपर लटके हुए हैं छत में और नीचे रस्सी लटका दी किसी को खींच रहे, आप खुद ना गिर जाए इसलिए लेट गए। समथिंग रॉन्ग। अब हम इसको जो पहले ट्रायल करके बताया था जो आपको समझ में नहीं आया था, तो हम इसमें हम डायरेक्ट ही बता देते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि ये भी नहीं समझ में आया। m2g इधर जो पिन लटका था वो नहीं लटक रहा है, रखा हुआ है, तो उधर का माइनस नहीं करना आपकी। m2g माइनस दूसरे तरफ को m1g करते, लेकिन हम माइनस क्यों नहीं करेंगे, वो रखा हुआ है, अपॉन टोटल ठीक है। ये डबल निशान का मतलब आप सीख चुके हैं।
टेंशन, इसमें टू नहीं है, एक ही लटक। अरे उसमें दो लटक रहे थे तो दो का मल्टीप्लाई था, इसमें एक ही लटक रहा है। आप तो पढ़ाई नहीं करते, शांत हो गए। अरे एक्सेलरेशन और टेंशन बताइए, बताइए इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और टेंशन। M1 M2 कितना हो गया, 4 × 8 4/5 जी, 4/5। अरे अरे M1 तो M2 4, यानी ऊपर M1 M2 से मतलब नहीं है, जो पिन लटका हुआ है वो आएगा 4G 2/3 GY3 सही है, M2G और टेंशन दोनों का मल्टीप्लाई करो टोटल। तो ये टेंशन निकाली है, अब अगला एडिंग बनाएंगे। हाँ एग्जाम्पल नोट कर दो, फिर तुम कहोगे इसको भी नोट कर ले। हाँ चलो तो तुम उसको नोट कर, ये हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ये जो लेट लिखते हैं उनके लिए नहीं है। अरे आराम से, टेंशन मत लो, हाँ इसमें केवल एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, इसमें त्वरण निकाल दो, जो लटका हुआ पिंड है उसको लिखो। तू जी और टेंशन मुझे जरा टेंशन भी कम, M1 M2 4G टेंशन आ गया 4G और जी की वैल्यू 9.8 याद होना चाहिए। बिठा दे सर, अरे इसे नोट मत करो, उसी को नोट करो। अब एडिंग बनाएंगे, रिजल्टेंट 4, परिणामी बल, ये देखिए परिणामी बल, ये F1 है, ये F2 है, ये थीटा एंगल ले लिया। देखिए आपसे पूछा जाए F और F कितने होते हैं तो आप कहेंगे ये तो 0 है, अभी देखिए नेट फोर्स कितना हुआ, अभी तो आप कह रहे थे F F F 4F हो जाएंगे, ये तो 0 ही हो गया। दूसरा देखिए,
ये तो सबने कैंसिल कर दिया, इसमें समझना क्या? जैसे इस ऑब्जेक्ट पर हमने ये दो फोर्स लगाए और ये कहीं जा नहीं रहा, ये जा नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? फोर्स नहीं लग रहे क्या? फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन ये फोर्स एक दूसरे को, तो कोई वस्तु, एक बात ध्यान रखें, ये बॉक्स रेस्ट में रखा है, क्या इस पर फोर्स नहीं लग रहा है? फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन सभी फोर्स एक दूसरे को, तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो यह मत कहना कि इस पर फोर्स नहीं लग रहे, आप कहेंगे फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन सभी फोर्स एक दूसरे को, यही हुआ। आप देखिए, ये देखो अभी भी क्या हो रहा है, इस पर चार फोर्स फिर से लग रहे हैं, अभी भी चारों कैंसिल हो गए, ये कहीं नहीं जाए। अब बताइए, इस पर एक फोर्स ऐसे लगा, या ऐसे, ये 2F हो गया, ये चार पहिया ढीला है बेटा, इसको दो धक्का मार रहे हैं, तो F और F 2F, या ऐसा इसको इधर से खींच रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? तो F और F 2F, तो F और F हमने देखा, ये देखिए, हमें एक बात समझ में आई, ज्यादा से ज्यादा दो फोर्स का सम प्लस होता है और कम से कम माइनस, और उनके बीच में भी वैल्यू आ सकती है, वो डिपेंड करेगा उनके एंगल पर। हम क्या देख रहे हैं, हमने 3 न्यूटन और 4 न्यूटन लिए, ये ज्यादा से ज्यादा 7 हुए, कम से कम एक हुआ, ज्यादा में से कम माइनस कीजिए, इसकी वैल्यू ना तो एक से कम होगी ना 7 से ज्यादा होगी। तो आपसे पूछा जाता है दो फोर्स का रिजल्ट क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है नहीं पूछते, क्या नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या देखोगे, ना 7 से ज्यादा होगा ना 1 से कम होगा, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना इन दोनों से कौन सा फोर्स नहीं बनेगा। देखो, हाँ 3 और 4 क्या 5 हो सकते हैं, 3 और 4 5 भी हो गए, जब ये फोर्स 90 पर लगे, ये हो क्या रहा है? तो रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला बनाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लस और कम से कम माइनस, और उनके बीच में वैल्यू आएगी। कौन है ये रिजल्टेंट फोर्स? परिणामी बल। कौन है रिजल्टेंट फोर्स? मैक्सिमम फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। नहीं, केवल दो फोर्स के लिए बता रहे हैं हम आपको, दो फोर्स के लिए, पेपर में दो फोर्स का रिजल्ट आता है, दो फोर्स का पता, ये मिनिमम है एक मैक्सिमम है। अरे ये तो गलती हो गई, मिनिमम लिखो। तो आपसे पूछा जाए 3 और 4 7 होते हैं कि 5 होते हैं? 3 और 4 7 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और उनके बीच में भी वैल्यू आ सकती है। तो 3 और 4 7 तो होते ही है, 3 और 4 1 भी होते हैं, 3 और 4 5 भी होते हैं। अरे 90 पर लिख दीजिए 3 और 4 को, ये 5 हो गए।
अरे बनाना थोड़ी था, ये तुम्हें समझाएगा, ये बनाओ। ये क्या सर, कौन सा ये? ये वाला नीचे नीचे। अच्छा एफ और एफ टू एफ। अरे दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे, दो एक ये दो ये टू एफ हो गए, और ये अपोजिट लगाएंगे तो ऑनलाइन वाला वो नहीं लगा। क्या एफ और एफ एफ भी हो सकता है? तो आपसे पूछा जाए एफ और एफ का रिजल्ट एफ कब होगा? 120 पर एफ होगा। ये क्या है बेटा, ये फॉर्मूली है, इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एंगल देगा तो ये स्टार्ट पॉइंट है तीनों, कैसे आएगा इसमें वैल्यू रख देना। तो एफ और एफ एफ हो सकता है क्या? हो गया, 90 पर रूट टू है, 60 पर रूट थ्री है, 120 पर एफ और एफ एफ भी हो। और ध्यान रखना सेम आ रहा जी, एफ भी यदि ए भी तीन तो रिजल्ट भी एफ वन भी एफ है, एफ टू भी एफ है, रिजल्ट भी एफ है। कब है ये? जबकि 120 का एंगल हो। एफ वन भी एफ है, एफ टू भी एफ है, रिजल्ट भी एफ है। कब? जब एंगल 120 हो। पहले सबसे पहले तो यहां लिख लो, ये फॉर्मूली लिखो, ये तो सब एग्जांपल है, ये तो पहले वो लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख दो तो कोई। तो एफ वन और एफ टू एफ है, हम मिटा दे। अब इन्हें क्वेश्चनों से समझाएंगे वो क्या। अब जिन्होंने जितने पॉइंट लिख लिए वो ठीक है, ये तो लिख लिए। अरे मेन ये लिखना था, मेन टेबल ये लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है, और ये तो स्टार्ट पॉइंट है। ये तो कितने भी बन सकते हैं, 30 कितने एंगल निकल गया था। अरे शांत हो जाए, शांत हो, अरे शांत हो जाए, क्वेश्चन पे ध्यान दिया करे। अरे शांत, सब बालक शांत हो जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक गिरनी से एक डोरी बंधी हुई है, उसके सिरों पर 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, तो ये डायग्राम नहीं दिया तो आप बना लीजिए डायग्राम। 3 किलोग्राम ज्यादा हो गया
दो किलोग्राम कम हो गया। इस तरह की बेटा बदतमीजी करोगे तो फिर सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। आज जो बदतमीजी कर रहा है एक बार माफ कर देंगे अभी, बाद में मत कहना हमसे कि अभी तक ही माफ कर दिया हमने, लेकिन अब आगे नहीं माफ कर पाएंगे। एक तीन दो एक जी टोटल पांच, ठीक है समझ में आया? जी वाई फाइव। अरे टेंशन भी पूछी है इसमें तो। तो आप समझे एक डोरी से किस तरह ऑब्जेक्ट लटके हुए हैं और आपको एक्सरे से, कई बार वो खुद गिरनी बना के दे देता है, वो भी ऐसा ही हो जाए। तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो आप सीख गए, डायग्राम वाले तो तुम कर ही लेंगे, हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिनमें डायग्राम नहीं है। देखिए M2 और M3 के हमें टेंशन निकालनी है, इसको नाम दिया था हमने T2। और एक फोर्स इंजन ये इंजन फोर्स लगा रहा है, कौन पूछा T2? टी टू को देखो, टी टू किसको खींच रहा है? टी टू तो दोनों को खींच रहा है, एम वन और एम टू दोनों को खींच रहा है। आ गया समझ में? क्या M2 और M3 के बीच, ये M2 और M3 है इसके बीच, M2 और M3 के बीच टेंशन निकालनी। देखो भाई ये किसको खींच रहा है? T2, T2 पूछा T2। F का नाम उन्होंने T दिया है, F क्या है? तो टोटल इंजन फोर्स लगा रहे वो होता है, हम उसे T से भी लिख सकते हैं। अरे तो इसको तो वैसे कर लोगे, इंग्लिश क्या करेंगे? क्वेश्चन ही चला इंग्लिश से मतलब नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन पूछा है। टोटल दस आप कोई बात नहीं, एफ पर भी एफ है, 150 एफ टू भी एफ है, रिजल्ट भी एफ है। तो हमने आपको याद कराया था के
शांत हो जाए निकल गया है। रिजल्ट कितना दिया है देखो, रिजल्ट एफ एफ वन स्क्वेयर ये देखिए। अरे सामने ये देखिए, कई बच्चे यहाँ वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करें, डायरेक्ट याद नहीं कर सकते इसको। हाँ डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई और क्वेश्चन आए तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, और फिर हमने सॉल्व किया तो तुम भी सॉल्व करो। तो अगर एफ वन भी एफ है, एफ टू भी एफ है, रिजल्ट भी एफ है, तो थीटा कितना होगा 120। एफ वन भी एफ है, एफ टू भी एफ है, रिजल्ट भी एफ है, तो थीटा होगा 120। उल्टा भी पूछ सकते हैं, अगर एफ वन एफ टू दोनों एफ और उनके बीच एंगल 120 तो रिजल्ट कितना है? तो तीन न्यूटन का क्या एफ 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 हो सकते हैं? कोई अन्य क्वेश्चन आए इस पर? तो इस फॉर्मूले से कर लें सर, दो घंटे बाद भी ऐसी मिटा दे। जो नहीं लिख पाए वो डायरेक्ट याद करें, जो नहीं लिख पाए डायरेक्ट याद कर ले इसको। देखिए उसी पर एक क्वेश्चन बना दिया एफ है और रिजल्ट दिया है बाई थ्री। रिजल्ट है बाई थ्री, थीटा पूछा है। करिए सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, ये नहीं रटोगे इसे सॉल्व करो। रिजल्टेंट फोर्स रूट एफ वन स्क्वेयर रिजल्ट कितना दिया है एफ वन थ्री, एफ वन स्क्वेयर अरे एफ वन भी एफ है। स्क्वायर कर दे रूट हट जाएगा। कई बच्चे वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते, जरूरत ही नहीं है। नहीं ये नहीं रटना है बेटा, बार बार क्या ये रटना है? क्यों नहीं सुधर रहा है? कॉस इनवर्स माइनस 17/18। तो रिजल्टेंट फोर्स सॉल्व करने आना चाहिए आपको, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए गुड एफ वन स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू। अरे सॉल्यूशन तो आप सॉल्व करें, उसमें एफ वन की वैल्यू रखनी है। एफ वन भी एफ दिया था, एफ टू भी एफ दिया था, रिजल्ट भी एफ बाई थ्री हो गया। अरे वो सॉल्यूशन है, थोड़ा जल्दी कर लिया करें। मैं
रेस्ट का मतलब क्या है? सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, सभी फोर्स एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट का मतलब क्या है? सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। सभी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। पांच और दस क्या नहीं हो सकता? ज्यादा से ज्यादा पांच और दस कितना होता है? और कम से कम और बिटवीन भी हो सकता है, तो कम से कम पांच होगा। ज्यादा से अरे पांच से कम नहीं होगा। क्या नहीं हो सकता? तो पांच से कम नहीं हो सकता, पंद्रह से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पांच से कम नहीं होगा, पंद्रह से ज्यादा नहीं होगा।